अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लगभग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। यास्मीन डेली लाइफ में आप सबका स्वागत है, और अभी से जितना होगा जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे आप सब तो शेयर करने का। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत चाय से, और बार बार बारिश भी हो रही है। वैसे नाश्ता वगैरह सबकी हो चुकी, अब ज़्यादातर हम चाय जब पीते तभी ब्लॉग अपना शुरू करते हैं। और सुबह सुबह भी एक लेडी आई थी मेरे पास ही आई थी कुछ काम से, वो इतना जिंदा दिल इंसान है, तो वही सोचते कि हर इंसान को वैसा ही होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में रहो वो हंसा के ही इंसान को रख देती है। उनको बहुत सारा आदमी ढूंढता है ये सब बात सुनने के लिए, वो सिर्फ इंसान को हंसाना जानती है। और आज अम्मी टाइम से ही बाज़ार चली गई थी, और नाश्ता से पहले ही बाज़ार से वो वापस भी आ गई। और आज अम्मी मेरी बहुत टाइम से बाज़ार गई हैं और जल्दी चली भी आई हैं, और अच्छे बात जल्दी चली आई क्योंकि बारिश जो हो रही है उससे भीग जाती है वो। और ये सब्ज़ी आया है लौकी, अम्मी लेके आई इसकी सब्ज़ी बनाना, और ऐसा सब्ज़ी मेरी अम्मी ही सिर्फ काट सकती है, हम तो नहीं, हमको नहीं आती ये काटने ऐसा, हम ऐसा नहीं काटते। और रीज़न इसका ये है क्योंकि बहुत देर लगता है काटने में ऐसा। और एक तरफ दाल चढ़ाएं, और सब्ज़ी तो चढ़ा चुके हैं, और ये सब को अभी हमको छीलना और काटना है सालन के लिए। और जब तक ये रेडी होगा तो वो सामान तब तक बनती रहेगी। और सब्ज़ी का मेन सबसे ज़रूरी टमाटर, जो बहुत महंगा हो गया है अभी। और सब्ज़ी तो मेरी हो चुकी है, और इसमें अब चढ़ाना है हमको चावल, और बस दाल बघारने की तैयारी। लिए हैं थोड़ा सरसों ऑयल, जो बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं, और ये सारा प्याज फ्राई करना है। और ये प्याज जो हम फ्राई कर रहे हैं ये चिकन के लिए है, क्योंकि चिकन का सालन बनाना हमको। और अम्मी को लेनी है अब शरबत। और चिकन डाल चुके हैं, और आधा प्याज जब मेरा लाल हो चुका तब हम चिकन डालें, दोनों साथ में ही लाल होगा चिकन भी और प्याज भी। और मसाला भी इधर रेडी है, और चिकन में मसाला डाल चुके हैं, उसको ढक देते हैं, थोड़ा ये पकेगा। और ये भिंडी काटे हैं, और इसमें आलू जाएगा, और यहाँ डाले हैं थोड़ा दही आधा बन जाने के बाद, और चिकन का सालन भी हो गया रेडी मेरा, और इधर भिंडी की भी सब्जी रेडी है, सलाद भी बना चुकी है, और खाना बन चुकी है पूरी, अम्मी को खाना दे भी चुके हैं। और अब चलते हैं सब किचन क्लियर करने, बर्तन वगैरह है बहुत सारा, सबको धोने। और ये कौन आया है? तपक बाबू आई है, देखे 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 बाबू को देखे, हाँ अच्छा से दिख ला रही हो। और ये शायद इसका मन्नत है, आगे साल भी ये मतलब बांधी थी या पहनी थी ऐसा, और जिसका मन्नत होता है वही लोग करते हैं ये चीज़। और ये लड़की जो ऐसे करके आई है हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर हम लोग के घर में नहीं होता है, पर इसकी दादी के घर में होता है इसलिए ये, और इसकी मन्नत है इसलिए बार बार वो आईना देख रही है, और बार बार ये मिरर लेके देख रही है अपने आप को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने आप को उसका ये लुक ना, बोल भी नहीं है। और ज़्यादातर इंसान का 7 तारीख को ही मन्नत करता है, और किसी किसी का जो मन्नत होता है पाइप का वो 1 तारीख से ही बनाता है, और ये शायद खुलेगा मुहर्रम वाले दिन 10वीं को। और एक होते हैं ना शेर बनते हैं, उस बागर बाग उसको बोलते हैं यहाँ पर, और साध उससे आज भी बहुत ज़्यादा डरता है, वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि मतलब वो आएगा तो हम कहाँ जाके छुपेंगे। एक बार हूँ छोटे में आज से 3 साल पहले, बस वो डर से भाग रहा था और जाके उसी से टकराया गया, उसके दिल में ऐसा डर बैठा है कि अगर दरवाजे
जैसे यहाँ पर बनता है तो हर घर में ही जाती दरवाजा लॉक करते, उसको बहुत ज्यादा मतलब उससे डर लगता है। और दो दिन पहले वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था कि वो आएंगे तो हम कहाँ जाके छुपेंगे। और जब मुहर्रम हो जाता था, मुहर्रम वाले दिन जैसे ख़त्म हो जाती है, और जब मेरे अबू थे तो वो अबू से पूछता था कि अब कब आएगा, तो मेरे अबू कहते थे कि हम उसको मतलब जो है लॉक कर दिए हैं, अब नहीं निकलेगा, अब एक साल बाद उस वो निकलेगा। साथ तो फिर भी बच्चा है, बच्चे देख के हमेशा डरते हैं। यहाँ पर एक लेडी ऐसी हैं कि वो जैसे लोग सब जानते हैं कि अंदर आदमी रहते हैं, सिर्फ कवर पहनते हैं, उनका मन्नत रहता है। वो लेडी तो सच में भी होश हो जाती जब देख लेती है। और ये जो बांध के आई है तो इसको हम पैसा देंगे, मतलब ये यहाँ का एक रूल है। और कल जो मेरा आधा पे रह गया था अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लतीफ़ के बारे में, जो अल्लाह पाक का नाम है। कोई बंदा जब आके कहता है कि फला टाइम पे आपने मेरी बड़ी मदद की थी, ये था वो था, अल्लाह टॉकिंग टू यू, डू नॉट बी डेस, ठीक है, ये अल्लतीफ़ आपको मैसेज भेज रहा है। पक्की बात है, जैसे उन्होंने कहा कोई दोस्त था, कोई क्लास में ले गए, या इस क्लास की वजह से आप अल्लाह के करीब आ गए, तो ये है अल्लतीफ़ जो आपको एहसास नहीं होगा कि किसने किया, अल्लाह सुबहान तआला ने किया, तो ये है इसकी एप्लीकेशन। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई कभी आपको एक थपकी दे दे, कोई एक लफ्ज़ कह दिया मोहब्बत वाला, कोई एक शफ़क़त वाला लफ्ज़ कह दिया, वो नहीं कह रहा है, तो कौन कह रहा है? अल्लाह सुबहान तआला उससे कहलवा रहा है। अगर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता, अगर अल्लाह ताला आपको छोड़ दिए होते, तो ऐसा कोई साइन ही नहीं भेजता आपके पास। देखिए, जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है उनको कोई साइन ही नहीं मिलती, वो तो फुल मज़े में होते हैं, उनको ना कोई मुसीबत आती है ना कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनका जो मज़ा है, इनका जो खाना पीना है, इनके ऐसी आपको धोखे में ना डाले, अल्लाह सुबहान तआला इनको ढील दे रहा है। अल्लाह इस हद तक नाराज़ हो चुका है कि अल्लाह इसकी केयर ही नहीं कर रहा है। जैसे एक हदीस में आता है, अल्लाह माफ़ करे, जिस शख्स की फिक्र छोड़ देता है और जिस शख्स से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो भटकता रहता है, वो जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी फिक्र नहीं। ये है असल में वो शख्स बदबخت। और वो कौन? एक सूरा है, सूरा तो नहीं बोल पाएंगे ना, उसका तर्जुमा हम बोल रहे हैं। ये क्या देखा, वो अल्लाह को भूल गया और फिर वो उसको भुला दिया। भुलाएगा उमुल फासिक, तू ही तो फासिक है, तो इसलिए ये ना सोचे कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। एज लॉन्ग एज आपके पास वो लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज कोई जेंटर कोई डिमांडर आ जाता है, और अक्सर बंदा परेशान हो जाता है। वो अपने बारे में बता रहे थे, उनको बहुत सारे मैसेज आते हैं। कुछ दिन पहले एक खातून का उनके पास मैसेज आया जो इंतहाई बहुत डाउन थी। वो बड़ी उम्र की खातून थी, उनके पास उनका एक क्लिप गया, तो वो कह रही हैं अल्लाह ताला ने मुझे मैसेज दिया, तो अल्लाह दे रहा है मुझसे, तो अल्लाह ने बुलवाया, लेकिन मैसेज तो अल्लाह दे रहा है कि परेशान ना हो, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत कर रहा है, अल्लाह सुबहान तआला तुम्हें संभाल लेगा। ये लतीफ़ का एप्लीकेशन है। आपकी लाइफ में अगर आपने अल्लाह ताला की इस नाम की एप्लीकेशन फील कर ली अपनी लाइफ में, और किसी न किसी थ्रू अल्लाह आपको मैसेज दे रहा है, आप किसी क्लास में चले गए ये भी एक मैसेज है, आपको हिदायत मिल गई ये भी एक मैसेज है, अल्लाह सुबहान तआला के करीब आ गए ये भी एक मैसेज है। अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो उसे अपने करीब क्यों लाएगा? लेकिन एक बंदा कहीं और जा सकता है और वो क्लास में आ गया, दिन का लेक्चर सुनने आ गया, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह सुबहान तआला इससे राज़ी है? अल्लाह चाहता इसे कहीं और भी ले जाता, इसको कहीं और छोड़ देता, अल्लाह उसकी केयर छोड़ देता। तो जो दीन के कामों में लगा है तो अल्लाह उसे कैसे नफरत कर सकता है? आप खुद सोचिए ये बात, जिससे अल्लाह दीन का काम चाहे, चाहे वो एक कदम चल के क्यों ना गया, किसी भी लेवल पर है,
आप लोग देखें, आप लोग खुद एक मुख्तलिफ लेवल पर है। किसी ने ये सेट किया, किसी ने वो सेट किया, किसी ने एसी चलाया, तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह सुभान तआला इससे नफरत करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। अल्लाह ताला आपसे राजी है, आपसे बिल्कुल भी नहीं किया। अल्लाह ताला आपसे राजी नहीं है, अल्लाह सुभान तआला राजी है तो ये काम हो रहा है, वरना किसी और काम पे लगे होते आप। अल्लाह माफ़ करे, कितने लोग हैं पता नहीं वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें वगैरह वगैरह। बहरहाल अल्लाह सुभान तआला सबसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला बेशक अल्लतीफ़ है, अल्लाह ताला अल-खबीर है। अल्लाह ताला के जो नाम हैं उनको लेफ्ट बाई करना है, बाखबर हो जाए तो हो सकता है बहुत सी नियामतें अचानक से आपको नज़र आ जाए। जो गमगीन लोग होते हैं उनका एक इशू होता है, जो डिप्रेस लोग होते हैं वो अपने अंदर खोए होते हैं, उनको सिर्फ अपना दुख नज़र आ रहा होता है। इसलिए ना डिप्रेशन की एक स्टेज है जब इंसान सेल्फिश हो जाता है। यस, डिप्रेशन इज रियल है, क्लिनिकल डिप्रेशन इज रियल है, इंसान डिप्रेस में चला जाता है। ये नहीं कि डिप्रेस लोग सेल्फिश हैं, बस एक खास स्टेज पे लोग डिप्रेस होते हैं। तो लतीफ़ को आप अपनी लाइफ में ऐसे ला सकते हैं, अपने इर्द गिर्द की तरफ देखें आपको नज़र आएगी, अल्लाह सुबहान तआला की रहमत और सबकत नज़र आएगी। और सही बात है, हम सबको सिर्फ सोचने की ज़रूरत, सोच बदलने की थोड़ी ज़रूरत है, हर चीज़ अपने आप नज़र आ जाएगी जब सोच बदलना शुरू होगा। और ब्लॉग के एंड अब नहीं करते हैं, कल मिलते हैं एक नई सुबह नए ब्लॉग और ज़िंदगी की हकीकत के साथ। ब्लॉग मेरा अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।